तो है दोस्तों, मेरा नाम है अजहर और आप देख रहे हैं हसनैन बर्स अवेरी। हाजिर हूँ दोस्तों एक अलग वीडियो के साथ। एक भाई की कमेंट आई स्क्रीन पर, आप देख सकते हो कि लुटिनो की फीमेल है और वाइल्ड मेल है। अब वाइल्ड क्या होता है? मेरे ख्याल से दोस्तों वाइट होगा, वाइट पूछ रहे होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि लुटिनो की फीमेल और अल्बिनो का मेल, ये दोनों की पैर लगाने से कौन से बच्चे निकलेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर से दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर हम अल्बिनो का मेल और लुटिनो की फीमेल लगाते हैं तो उसमें से ज़्यादा बच्चे लुटिनो ही निकलेंगे, क्योंकि अल्बिनो की जो ब्लड लाइन होती है वो कमज़ोर होती है, और उसमें भी हमें देखना पड़ेगा कि उनकी जो आईज है वो ब्लैक है या रेड है। लुटिनो में भी रेड आईज और ब्लैक आईज होती है, और अल्बिनो में भी रेड आईज और ब्लैक आईज होती हैं। ब्लैक आईज की जो ब्लड लाइन होती है वो मजबूत होती है और रेड आईज कमज़ोर होती है। अब मान लो हमने लुटिनो रेड आईज को अल्बिनो रेड आईज से पेयरिंग की तो ज़्यादा बच्चे लुटिनो ही निकलेंगे, क्योंकि दोनों ब्लड लाइन वीक है, मगर अल्बिनो ज़्यादा वीक है। और अगर अल्बिनो ब्लैक आईज से लुटिनो रेड आईज की पेयरिंग करे तो 50-50% चांस है कि अगर चार बच्चे निकलते हैं तो दो बच्चे लुटिनो और दो बच्चे अल्बिनो निकले। और अगर लुटिनो ब्लैक आईज है और अल्बिनो रेड आईज है तो अगर चार बच्चे निकलते हैं तो तीन लुटिनो और एक अल्बिनो निकल सकता है, और ऐसा भी चांस है कि सारे लुटिनो ही निकले। मेरे ख्याल से भाई की जो कमेंट थी उनको उसका जवाब मिल गया होगा, और आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि अल्बिनो और लुटिनो की पेयरिंग से कैसे बच्चे निकलते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप अपना भी ख्याल रखें और अपने बच्चे का भी ख्याल रखें।